नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लोकसभा चुनाव हेतु भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष व विधायक दंतेवाड़ा चैत्राम अटामी ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमारा संकल्प पत्र हमारे लिए संविधान की तरह पवित्र दस्तावेज और भरोसे की गारंटी है। पिछले 10 वर्षों में हमने ये साबित किया है कि भाजपा अपने घोषणा पत्र के एक एक शब्द पर अमल करती है, जैसा हमने मोदी जी की गारंटी में करके दिखाया है। खासकर पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो किया है वो विश्वास बहाली का नया अध्याय है। उक्त बातें दंतेवाड़ा भाजपा जिलाध्यक्ष व विधायक चैत्राम अटामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही। श्री अटामी ने कहा कि घोषणा पत्र भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसे का, विश्वास बहाली का, भारत के भविष्य का एक सुनहरा रोड मैप है। भाजपा के पिछले संकल्प पत्रों की चर्चा करते हुए श्री अटामी ने कहा कि 2014-2019 का हमारा संकल्प पत्र हमारा ऐसा विजन डॉक्यूमेंट था जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था, लेकिन पिछले 10 वर्ष ने साबित किया है कि भाजपा अपने द्वारा घोषित घोषणा पत्र के एक एक शब्द पर अमल करती है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए, 70 से ऊपर के बुजुर्ग चाहे वह किसी भी आय वर्ग से हों उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। 4 करोड़ पक्के घर बने हैं, 3 करोड़ और नए घर बनेंगे। सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाया है, अब पाइपलाइन से गैस घर घर पहुंचाने की योजना है। करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और उन्हें बिजली से कमाई करने की योजना पर काम होगा। पीएम सूर्य योजना के तहत अब लोग बिजली बिल नहीं देंगे बल्कि बिजली बिल पैदा करने से कमाई भी होगी, ऐसी तकनीक पर काम होगा। मुद्रा योजना से लाखों लोगों को जॉब दिलाने वाले बने हैं। अब नया संकल्प है कि मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करेंगे। युवाओं को अपनी रुचि का काम करने के लिए अधिक पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम रेहड़ी ठेले वालों को डिग्निटी देने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले ही हमने स्वनिधि योजना से इसे जोड़ा है, इसे अब कस्बों गांवों तक ले जाएंगे। सभी को बिना गारंटी के सहायता मिलेगी, इसे 50,000 से आगे भी बढ़ाया जाएगा। दिव्यांगों के लिए विशेष ध्यान देकर काम किया जाएगा। टामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव माताओं बहनों के उत्थान के लिए संकल्पित रही है। हमने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू कर माताओं के संबल को बढ़ाया। इसी तरह केंद्र की भाजपा सरकार ने भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत योजनाएं लागू की हैं और उन्हें धरातल पर उतारा है। आज 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें हम अब आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन आदि के लिए ट्रेनिंग देंगे। आज साइकिल भी चलाने नहीं जाने वाली महिलाएं ड्रोन पायलट बन रही हैं, ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पत्र जारी किया गया है। मोदी जी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबद्ध है और आने वाले 5 साल की राशन की योजना को आगे 5 साल तक जारी रहेगा। जन औषधि केंद्र का विस्तार किया जाएगा। 5 लाख का मुफ्त इलाज जो शुरू से मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। 70 साल की आयु की हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना अंतर्गत लाया जाएगा, चाहे वो फिर वो किसी वर्ग का हो, इसमें कोई गरीबी और इसका नहीं रहेगा। हर एक वर्ग को 70 साल से पार है उसको मुफ्त में फ्री इलाज चलता रहेगा और 3 करोड़ घर बनाने का संकल्प लिया है और 10 साल में हमने दिव्यांग जनों से को कई सुविधाएं दी है। दिव्यांग साथियों को अब पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी।